तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में जब भी हम लोग किसी नई मूवी का नाम सुनते हैं तो बहुत सारी मूवी सामने आती है, जैसे कि ब्लैक विडो है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 है, ब्लैक पैंथर 2 है, और भी नई मूवी जैसे इंटरनल्स। लेकिन इसके अलावा अब एक ऐसी मूवी का नाम आया जो कि पहले फॉक्स की प्रॉपर्टी थी, जो कि है फैंटास्टिक 4। जी हाँ दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 मूवी को सबसे पहले लाया जा रहा है। अब जैसा कि डिज्नी फॉक्स डील के बाद एक्समैन भी आ गए हैं, फैंटास्टिक 4 भी आ गए, यानी ये दोनों जो सुपर हीरो के राइट्स थे ये मार्वल स्टूडियोज के पास आ गए हैं। अब मार्वल स्टूडियोज ने ये डिसाइड किया कि वो सबसे पहले फैंटास्टिक 4 को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगा, ना कि एक्समैन को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि फैंटास्टिक 4 को किस टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैंटास्टिक 4 1960 की टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस होंगे, और बाद में जाके ये जो कैरेक्टर्स, जो मेन विलन है, वो सामने आएगा लेटर ऑन, यानी जो अभी करंट टाइमलाइन चल रही है उसमें। अभी 1960 में फैंटास्टिक 4 को कैसे इंट्रोड्यूस करते, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि 1960 में अगर सुपर हीरो एग्जिस्ट करते थे तो उनके बारे में हमारे एवेंजर्स को क्यों नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा पावरफुल विलन है, और अगर वो इतने साल से है अर्थ पे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अर्थ पे। तो और एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो सुपर हीरो है इनका डेटाबेस शील्ड के पास था, अगर शील्ड के पास था तो शील्ड ने क्यों नहीं दिखाया अभी तक, या अगर शील्ड अब करंट सिनेरियो में इन सबका डेटा दिखाती है तो क्या निकल के आता है कि फैंटास्टिक 4 थे, क्योंकि 1960 बहुत पुराना टाइमलाइन होता है। यानी अगर प्रेजेंट टाइमलाइन की बात करें तो प्रेजेंट टाइमलाइन में कभी हमारे फैंटास्टिक 4 एवेंजर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे जो यंग एवेंजर्स उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो बहुत पास्ट में सेटअप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इटर्नल्स का नाम ले तो इटर्नल्स भी जो टाइमलाइन एकदम पास्ट में होगी, यानी जो एकदम पुराना समय दिखाया जाएगा कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, ये कैसे हुआ, सेलेशियल बींग कैसे फॉर्म हुआ, उस टाइम के इटर्नल्स होंगे, क्योंकि इटर्नल्स ही बहुत ज्यादा पुराने बींग्स थे। तो अब ये देखना है कि एमसीयू अगर इन सबका प्रीक्वल निकाल रहा है कि ये जो सारी घटना हुई है, यानी पूरे के पूरे इन्फिनिटी सागा से पहले की घटना हुई है, यानी कैप्टन मार्वल के इंसिडेंट से भी पहले की जो घटना हुई है, ये सब कैसे शो करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, क्योंकि अब ये फेस 4 आ गया। तो फेस 4 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फ्यूचर भी देखना है और पास्ट भी देखना है, ताकि एक परफेक्ट टाइमलाइन सेटअप हो सके जिसमें एक्समैन भी एग्जिस्ट करते हो, फैंटास्टिक 4 भी एग्जिस्ट करते हो। और यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि जो फैंटास्टिक 4 इसको डायरेक्ट कौन करेगा, तो एक नाम निकल के सामने आ रहा है पेटन ट्रेट का, जो कि डायरेक्टर थे एंटमैन मूवी के और एंटमैन एंड द वास्प मूवी के। अब इनके पास तो एक अच्छी स्टोरी लाइन है कि कैसे फैंटास्टिक 4 को इंट्रोड्यूस किया जाए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब इनके ऊपर है कि ये फैंटास्टिक 4 को 1960 में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर फैंटास्टिक 4 को करंट सिनेरियो में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब करंट सिनेरियो में अगर फैंटास्टिक 4 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर से वही रिबूट वाली कहानी आ जाएगी, लेकिन अगर 1960 में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है इनका जो एक्चुअल में ओरिजिन वो इतना फोकस ना किया जाए, बल्कि इनको दिखाया जाए पहले से एग्जिस्ट है, उनकी पावर्स का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे लोग गैलेक्टस से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोग सिल्वर सर्फर से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब दिखाया जाए। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमेंट करके मैं जरूर बताया। और दोस्तों, कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स की गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सब आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।